हेलो। हाँ, जी भैया। हेलो। अमित उपाध्याय जी से बात हो रही है। जी, जी भैया। नमस्कार सर। हम ब्रजेश कुमार बोल रहे हैं, बिहार उजाला से। जी, नमस्कार भैया। हमारी बातचीत को हम रिकॉर्ड करेंगे और इसको सोशल मीडिया पे भी डालेंगे। जरूर जरूर भैया। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप भोजपुरी के बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं जिसने अश्लीलता से कोसों दूर रहे और सुपरहिट गाने दिए, जी क्या कुछ कहिएगा? जी भैया, बस देखिए, मेरे अपने आत्मशैली से यही दिन, हर एक दिन जब भी सवेरा होता है सोचते हैं कि कुछ अपने आप से बेटर करें और अश्लील गाने से दूर रहे। अश्लील गाने परोसने से कोई फायदा नहीं है, समझिए। पहला नंबर कि हम लोग जनरल कास्ट से भी हैं, ऊपर से हम लोग ब्राह्मण है तो कुछ भी है सभी लोगों के लिए, तो इसीलिए हम ऐसा कभी माइंडेड नहीं रखते हैं कि मतलब अश्लील गाना भी गाना चाहिए। हम कभी भी जी सोच रहे हैं, मेरे मेरे जैसे हम अपने आदर्श भरत शर्मा जी, विष्णु ओझा जी, मदन राय जी, जितने सारे लोग हैं, हम इन लोगों को आदर्श मानते हैं। इन लोगों को देख के जो भी रास्ते हैं इन्हीं को फॉलो करते हैं, बाकी आगे जनता की मर्जी, जो लोग पसंद करते हैं बस चाहते हैं कि चलिए इसी दुनिया में आगे बढ़ा जाए। हमने आपका तकरीबन सैकड़ों गाने देखे और कहीं ना कहीं आपके चैनल पे एक भी अश्लील गाना नहीं है, उसके बावजूद भी जी आपने सुपरहिट गाने दिए हैं अभी के दौर में। जी जी और आपसे जी जानना चाहेंगे कि आप कितना समय से गाना गा रहे हैं? भैया, हम देखिए एक्चुअली 2010 ही से गाना गा रहे हैं। जी जब छोटे थे उसी टाइम से गाना गा रहे हैं और अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं भैया। देखिए भगवान की मर्जी, कब तक स्ट्रगल और आगे की प्रेरणा क्या मिलता है आगे चल। अरे, आपके वीडियोस तो बहुत वायरल गए हैं, 53 लाख, 35 लाख। अच्छे अच्छे गाने आपने गाए हैं, गोरिया चांद के उजरिया, जौन बात बस जी और जी को मैं, ये सब गाना एकदम मतलब हमेशा बजने वाला गाना है। ये सब आपने गाया है, कहीं ना कहीं अच्छे खासे जरूर व्यूज जरूर गए हैं। अभी एक गाना जी आपका हम सुने हैं, राम जी का गाना है और अयोध्या, अभी भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर निर्माण जी हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान होने वाला है। एक चाहेंगे कि भजन आप थोड़ा सा सुनाएं हमारे दर्शकों को, फिर बातचीत करेंगे आगे। भैया, अभी देखिए एक्चुअली हम एक गाना डाले अभी फिलहाल, अभी पहले का रिकॉर्ड किया हुआ था, एक ऐसे रील्स पे डाल दिए हैं जी ऐसे, तो वो मेरे राम है वो भी गाए हैं, मगर अभी एक गाए हैं, मुझे देख कर राम जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी थी खड़ी रह गई। जी एक 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 ये भी भजन है। बहुत सारा ऐसे भजन है कि जो पारंपरिक, जो ऐसे होता है ना आज की दुनिया में, जो जी भी चीज है कि मान लीजिए कि कोई, अब देखिए अभी जस्ट यही बता रहे हैं, 2 मिनट फूल कीजिएगा। था जी अभी एक हमने हमने एक सॉन्ग गाया था, जैसे मुंडन मुंडन गीत गाया जाता है ना, हाँ, तो जने होता है उसमें, तो हाँ, तो वो भी आप मेरे चैनल पर गए होंगे या पेज पे तो गाना सुने होंगे आप, तो उसमें क्या शब्द था कि धीरे धीरे बाल काटे नौआ बाबू हमार सुकवा। तो हमने नौआ रखा है, तो जैसे हमारे गांव के लोग, जैसे ठाकुर जी लोग हैं जो बाल काटते हैं, उन लोगों को प्रेम से नौआ नौ मतलब नाव नाव बोला जाता है। जी बिल्कुल तो हम लोग ऐसा नहीं भी रखते हैं कि किसी जाति को लेकर हम लोग टारगेट करें या उनसे गाना गाए। बिल्कुल मत जब हमने गाना गाए, किसी की फरमाइश भी गाए थे कि भैया एक मुंडन गीत गा दीजिए, तो हमने गा दिया। उसके बाद हमने पेज पे डाला, उसका अच्छा खासा व्यू भी जा रहा है। तो उसके बाद उसमें दो चार लोग ऐसे लोग हैं कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि जातिवाद को टारगेट कर रहे हैं आप, कि आप नहीं, ऐसा नौवा कुछ नहीं है। बोले, नौवा हमारे चैनल पे आप भी सुने देख ना। लीजिएगा, हम जो भी हम लोग इंटरव्यू करते हैं, जो बेहतर कलाकार हैं उन उनका हम लोग इंटरव्यू करते हैं। आपका गाना हम देखे जी पेज पे, मतलब एक भी गाना अश्लील नहीं है, जातिवाद नहीं है। जो भी आपने गाना जी गाया है, जैसे कांचे उमरिया में या कौनो जी करी उपाय भोले बाबा, तमाम तरह के गाने आपके हाँ हैं जो एकदम मतलब साफ सुथरे और बेहतर गाने। जरूर जरूर जरूर, तो अच्छा चीज, बस यही मतलब आप कोई लोग भी से करता है तो यही उसको लोग कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, तो उसका ध्यान नहीं देना है अपना। बस नहीं, सही सही बात है भैया। और हम ये सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करते हैं तब भी लोग, 1-2% लोग ऐसा है जो बाइकआउट करने पे लगे रहते हैं, तो भैया अच्छा, आज यही आज आज देख बस रहे हैं ना कि थोड़ा मोदी जी जो काम कर रहे हैं उसके कितने लोग जो है कि विरोध भी कर रहे हैं।
सही बात है, सही बात है। तो ये दुनिया ऐसे ही है, बस आप अच्छा करते रहिए, हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऐसे ही भोजपुरी और बिहार के लिए बेहतर गाते रहे। अभी एक राम भजन सुनाइए, फिर बाकी और चीज आपसे हम बातचीत करेंगे। राम भजन हम गाए थे, एक सुना दीजिए। देखे जी जी सुनिए पहले कि देख कर राम, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, राम देख सिया को सिया राम को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा गाते हैं आप और आवाज भी आपका बहुत बढ़िया है। और स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी आप लोग करते हैं? जी जी भैया करते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, अमित पादा डालिए आपको मिल जाएगा सारा चीज। अभी किन किन कलाकारों के साथ आपका गाना डुएट हुआ है अभी? अभी तो फिलहाल देखिए एक्चुअली क्या बात है कि ज्यादातर लोग इसे आप ही हैं, चाहे जितने भी मेरे फैंस हैं, जो सुनने वाले चाहने वाले लोग, जो बस फरमाइश करते हैं कि भैया एक ये सॉन्ग गा दीजिए। तो जहाँ पे डुएट का मतलब नहीं काम है तो वहाँ पे सिंगल भी चल जाता है, अगर डुएट का काम रहता तो उसके लिए साथ में, अगर देखा जाए स्टेज शो पे तो अनुपमा जी के साथ है, अदिति राज जी के साथ है, काव्या कृष्णमूर्ति हो गई जी, उसके बाद बहुत सारे तमाम कलाकार हैं कि सारे लोगों के साथ स्टेज शेयर किए हैं। बाकी और ऐसे में देखिएगा बैठकी गायन में जो जैसे हारमोनियम पे तो नीलम सागर जी के साथ गए, नेहा सिंह मिश्रा जी के साथ गए हैं, यही सब है। बाकी और आगे कोशिश करते हैं कि देखिए क्या अच्छा हो रहा है। ना ना सही है। एक गाना और हम चाहेंगे थोड़ा सा सुना दें, आपका काफी गाना वो भी वायरल हुआ था, गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, एक लाइन थोड़ा सा सुना दें। गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, गोरिया चांद के अंजोरिया नियन गोर बाड़ू हो, तोहर जोड़ के हुनई के बिजोड़ पड़ू हो। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत सुपर हिट गाना आपका रहा है सर, और काफी अच्छा लग रहा है कि आप जैसे कलाकार हैं जो अभी के दौर में जहाँ पे लोग अश्लीलता को ही बढ़ावा दे रहा है और सोच रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्मूला अपना रहे हैं कि ढोड़ी चोली पे गाएंगे। एक्चुअली क्या बात है भैया कि हमको टारगेट हम अपना रखते हैं कि हमको लंबे समय तक टीके रहना फिल्म पे, बिल्कुल। तो हम अश्लील की गाय के मतलब अश्लील गाते हैं, दो मिनट के लिए गाएंगे और उसके बाद फिर बैठ जाना है, तो वैसा नहीं। हमको हमेशा अपने फैन जितने भी है, जितने भी सुनने वाले उन लोग दिलों पे राज करते रहना है, बस हम यही कोशिश करते हैं कि अश्लीलता ना हो उसे, बाकी जो हमसे अच्छा हो सके हम देने की कोशिश करते हैं भैया। अच्छा एक चीज और जानना चाहेंगे कि भोजपुरी में बहुत सारे जो कहीं ना कहीं सिंगर हैं वो एक्टर बनना चाहते हैं, क्या अमित उपाध्याय जी को कभी मौका मिला तो वो सिंगर से वो भी एक्टर बनना चाहेंगे? भैया एक्चुअली देखिए सभी लोगों का ख्वाहिश होता है कि हम सिंगर से एक्टर बने, हर एक लोगों का ख्वाहिश होता है, तो हमें भी तो ख्वाहिश जरूर होगा, ऐसा तो नहीं है, पर हम अभी चाह रहे हैं कि भैया मेरे जैसे दर्शक लोग प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही भरपूर प्यार देते रहे आगे आने वाले समय में, अभी तो नहीं कर सकते, आने वाले समय में जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा न्यूज सुनने को मिलेगा भैया, ऐसा नहीं है। अच्छा पवन और खेसारी लाल की यादों में क्या कुछ कहिएगा? भैया देखिए अब हम क्या बोले, वो लोग तो मेरे बड़े भाई आदर्श हैं लोग, तो उनके बारे में विशेष कुछ क्या कहना है। बाकी और तो दोनों लोग गायकी के, हम तो गायकी पवन सिंह जी के फैन है और खेसारी लाल जी के एक्टिंग जो डांस उन्स है उन लोगों का फैन है, बाकी दोनों लोगों को देख कर वीडियो गाने जो भी कुछ सीखने को मिलता है सीखते हैं, जो अच्छा चीज है उसको जरूर कैच करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, मेरे लिए सब लोग एक समान है। बचपन से पवन सिंह जी के गाने हम सुनते आ रहे हैं, जब छोटे थे उसी टाइम से पवन सिंह जी गाने गा रहे हैं। अच्छा अभी तक कोई ऐसा गाना जो आपके सबसे दिल के करीब रहा हो? भैया दिल के करीब अब देखिए मेरे अब इतना नाम सॉन्ग गा ही दिए है ना कि दिल के करीब है तो सच ही है, ऐसा नहीं बहुत सारा गाना है, सुनिए ना
आप फरमाइश किए गोरिया चांद के अंदर यार, तो जहाँ भी जाते हैं स्टेज के मामले में कि आप लोग ज्यादा तो फरमाइश करता है, ऐसे हमको भी ये सॉन्ग बहुत प्यारा लगता है, समझ गए। तो ऐसे तक प्यारे बहुत सारे सॉन्ग है, बाकी बस कोशिश कर रहे हैं कुछ बेटर और लाने के लिए भी, बस आप लोगों का दुआ ऐसे ही बना रहे। ना एकदम, भोजपुरी में जब भी बेहतर सिंगर्स की अगर लिस्ट जारी होगी, चर्चा होगा, तो उसमें अमित उपाध्याय जी जरूर होंगे। वैसे जरूर तो जरूर भैया, आपका बस धन्यवाद, आप इतना कीमती समय निकाल के नहीं, मेरे से आपका बात किए। आपका गाना हम चैनल पे जाके देखे हैं, और इसका एक पर्सनल वीडियो भी हम बनाएंगे और लिंक आपको भेजेंगे। काफी अच्छा ठीक लगा है ओके। आपका आपका मतलब ये सब विचार देख के कि आज के समय में मतलब जहाँ ढोड़ी चोली को ही बढ़ावा दिया जाता है, ये लोग ये छोड़ के नहीं कुछ और गाना ही नहीं चाहते हैं और सोचते हैं कि हम भैया, हिट हो हम जाएंगे। बस देखिए हम क्या करते हैं, ये 2010 से गा रहे हैं, तो मेरे जगह पे अगर दूसरा कोई रहता तो कभी इस फील्ड को छोड़ के चले जाता, क्योंकि अपनी तो गाते नहीं है, जो बिल्कुल अच्छे चीज बिल्कुल गा रहे हैं तो उसका भी अब व्यू कुछ कम जाता है, मन लगे हैं डटे हैं, आज ना कल होगा, देखिए आज परिणाम मिल रहा है, कुछ अच्छे अच्छे गीत वायरल हो रहे हैं, व्यूज अच्छा मिल रहा है, तो लोगों को आज देख कर अच्छा लग रहा है कि नहीं, देखिए असली कमेंट में लोग बोलता भी है कि देखिए जो अश्लील गाते हैं उनको उनके मुंह पे तमाचा मारा गया है, कि मतलब अश्लील मुक्त भी सॉन्ग गाकर अपना मतलब कायम रख सकते हैं कि बिल्कुल देखिए। बिल्कुल कहे तो नहीं। बस यही भैया टारगेट से रखते हैं कि आज ना कल, कल ना परसों, एक दिन तो जरूर मुकाम कुछ मिलेगा, बस यही चाह रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे और पूरे थैंक यू भैया, बिहारवासी और भोजपुरी क्षेत्र से, कि आप ऐसे ही बेहतर बेहतर गाने और लाते रहिए बिहार के लिए, भोजपुरी के लिए, और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद आपको मिले, दिन दूना रात चौगुना तरक्की कीजिए, और जो भी ख्वाहिशें हैं थैंक यू, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू।